करना है उसके ऊपर अभी चर्चा करेंगे, वकीलों से भी करेंगे, आपस में भी करेंगे और फिर अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। सबसे कंसल्ट करेंगे, अभी तो एलजी साहब ने एक तरह से ऑफिशियली कम्युनिकेट किया है और एलजी साहब ने कहा है कि वो शाम तक मेरी चिट्ठी का जवाब भी मुझे भेज रहे हैं लिखित में, तो एक बार एलजी साहब का लिखित में जवाब आए उसके बाद हम लोग इस पे। हाँ, वो जो अब कम से कम ये है कि एलजी साहब हर प्रपोजल पे जो अड़चन अड़ा रहे थे वो अब नहीं लगा करेंगे। अरविंद जी, राशन की डोर स्टेप डिलीवरी वाले भी कहा गया था एलजी की तरफ से कि केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी, क्या वो अब खत्म हो गया? वो मैंने आज फाइल पे लिख दिया है कि केंद्र सरकार से मंजूरी की जरूरत नहीं है और इसका तुरंत इम्प्लीमेंटेशन चालू करें और डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट मेरे को भेजें। अरविंद जी, नहीं लगा पाएंगे पर सर्विस आपके पास नहीं है तो कितना मुश्किल होगा? काफी मुश्किल होगा, जैसा भी इन्होंने बताया। देखिए, वो सर्विसेज डिपार्टमेंट सबसे क्रिटिकल है जी। तो अगर सर्विसेज डिपार्टमेंट के जरिए वो सरकार ठप कर सकते हैं, जैसे 4 महीने उन्होंने IAS अफसरों की स्ट्राइक करवाई, वो इसीलिए क्योंकि उनका सर्विसेज डिपार्टमेंट कंट्रोल था। तो वो जब सारे अफसर उनके कंट्रोल में होंगे तो आप उन अफसरों के जरिए कुछ भी करा सकते हैं। सर, अगर आप सीधा सीधा इसको कंटेम बोल रहे हैं तो क्या आप फॉरवर्ड? हमको सारी ऑप्शंस पे विचार कर रहे हैं, नो ऑप्शन इज क्लोज्ड। ये सीधा कंटेम्प्ट बनता है, लेकिन ज्यादा एक इस देश का कोई छोटा मोटा आदमी कंटेम्प्ट करे तो समझ में आता है। जब केंद्र सरकार और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी लाइक लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली खुलेआम कहें कि हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल 3 सब्जेक्ट्स पे हमें पावर दी है, लेकिन हमारा कोई ऑर्डर था तो आपका ऑर्डर था, वो ऑर्डर तो खत्म हो गया ना भैया। अब आप ही का तो ऑर्डर था, आपके ऑर्डर के कॉन्ट्रेरी तो सुप्रीम कोर्ट ने, हमने कहा जी सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 141 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कानून बन जाता है देश के अंदर, और जिस वक्त ऑर्डर कोर्ट में प्रोनाउंस किया जाता है वो उसी वक्त लागू हो जाता है, तो आपका ऑर्डर, आपका नोटिफिकेशन की कोई वजूद नहीं बचा। इट हैजंट बीन इंप्लीमेंटेड येट, सो इट इज जस्ट इन लिम्बो। शिक्षा मंत्री होते हुए नोएडा के किसी स्कूल के बारे में डायरेक्शन इशू कर दूं अंडर सम एम्बिग्युटी, अब कल को वो मामला कोर्ट में जाए और कोर्ट कहे नहीं कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री की तो नोएडा के स्कूल पर कोई पावर नहीं बसती, बात खत्म हो गई। नोएडा के, दिल्ली के शिक्षा मंत्री की नोएडा के स्कूल पर पावर नहीं है, बात नहीं खत्म हो गई, मेरा ऑर्डर का कोई मतलब नहीं रहता फिर। वो कहे कि नहीं जब तक ऑर्डर खारिज नहीं करेंगे, फिर हम कहें कि नहीं जब तक हमारा ऑर्डर खारिज, नोएडा का वो स्कूल कहे नहीं जब तक हमारा ऑर्डर खारिज नहीं होता दिल्ली सरकार का, हम तो नहीं मानेंगे जी। तो ये ऐसी अजीब सी जिद है जिसके पीछे सारी साजिश, जिद नहीं है साजिश, समझ में आ रही है दिल्ली सरकार को ठप करने की साजिश है जो पिछले 3 साल से चल रही थी, और 3 साल से जिन कठिन परिस्थितियों के अंदर हमने दिल्ली के विकास के काम किए हैं, इतने सारे काम हुए उसके बावजूद वो आज जनता के सामने आ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है दैट एलजी हैज बीन एक्टिंग एज एन ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट फॉर द लास्ट 3 इयर्स। अरे ये जो आपने 4 महीने पहले स्ट्राइक, आपने कहा 4 महीने से स्ट्राइक की, अब फिर से सर्विसेज डिपार्टमेंट तो अभी नहीं आया जी, लेकिन मैं काम कर रहा हूं, काम हो रहा है, काम कर रहा हूं, सारी मीटिंग्स हो रही है, स्ट्राइक खत्म हो गई, जारी रहेगी ऐसा माने हमको, पूरा जीवन ही संघर्ष है। सर, कैंडी से ऑर्डर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।